मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू माई YouTube चैनल सो स्टूडेंट्स जो आज का टॉपिक है दैट इज रेक्टिफिकेशन सो रेक्टिफिकेशन से पहले हम कुछ उसके टर्म्स पढ़ लें जैसे कि कर्व क्या है लेंथ ऑफ द कर्व क्या है रेक्टिफाइबल कर्व क्या है एंड आफ्टर दैट रेक्टिफिकेशन क्या है सो so, कव है क्या हमारे पास हमें पता है कर्व क्या होता है अगर हमारे पास कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है जो किस पे डिफाइंड है किसी क्लोज इंटरवल ए बी पे सो so जो उसका जो ग्राफ होगा ऑन दैट क्लोज इंटरवल उसी को हम क्या कहते हैं कर्व कहते हैं जिसको हमने बेसिकली हम जब मैथमेटिकली इसको डिनोट करते हैं वो किस तरीके से लिखते हैं हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज ऑर्डर्ड पेयर दैट इज एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स लाइज बिटवीन द क्लोज इंटरवल ए एंड बी सो नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ द कर्व अब लेंथ ऑफ द कर्व क्या है मान के चलिए मैं आपको इस ग्राफ से समझाती हूँ कि ये हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है ये हमारे पास एक कर्व है और ये किस पे डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए और बी पे किस पे डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए और बी पे तो हम क्या करते हैं हम इस कर्व के क्या करते हैं हम इस कर्व को ये जो हमारे पास ये जो आ, ये हमारे पास जो ये क्लोज इंटरवल ए बी है ना इसको हम एन इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं ब्रोक करते हैं मीन्स हम इसके क्या बनाते हैं पार्टीशंस करते हैं सो so, जब हम पार्टीशंस करते हैं तो होता क्या है कि जो ये फर्स्ट एलिमेंट होगा जो फर्स्ट नंबर है दैट इज पी नॉट है वो रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट टर्म को दैट इज ए को सिमिलरली जो एंथ टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बी को सो so, मीन्स ये हमारे पास पूरी की पूरी कर्व है जिसको मैंने डिनोट किया है ए बी से सो मीन्स लेट ए बी बी द कर्व डिफाइंड बाय द कंटिन्यूस फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऑन क्लोज इंटरवल ए बी and let p is equal to a equal to x not x one x two so on up to x and equal to b be a partition of closed interval a b into n equal parts each of length h so means in दोनों के बीच में जो आपस का जो difference होगा means x not और x one के बीच का जो आपस में difference होगा that will be h so means h length पे ये होगा और जो h है वो किस तरीके से निकाला जाता है b minus a divided by n सो so, हम क्या करते हैं कि ये जो हमने इनको पार्टीशन्स कर दिए यहाँ पे और हम ये जो फर्स्ट टू पॉइंट्स है जैसे मान के चलिए पी नॉट और पी वन है सो so, ये सारे के सारे क्या होंगे कन्जिक्यूटिव पॉइंट्स है सो so, हम इन सारे पॉइंट्स को क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं so, तो ज्वाइन करेंगे किससे हम एक लाइन सेगमेंट से करेंगे और हमें क्या मिलेगा ब्रोकन लाइन्स मिलेंगी So, यही जो ब्रोकन लाइंस है हमारे पास जितनी ये आ रही है अब हमें इस पे देखना होता है कि जब एन अगर लार्ज होगा तो हमारे पास क्या वैल्यू होगी और जब एन इंफिनिटी uh, को टेंट करेगा तब क्या होगा सो दिस मीन्स सो देन एन इज लार्ज द लाइन सेगमेंट पी आई माइनस वन पी आई मीन्स पी आई माइनस वन मतलब क्या होगा जो एक टर्म उससे कम है मीन्स अगर ये पी नॉट होगा तो ये वन माइनस वन हो गया जीरो इट विल बी पी नॉट एंड पी वन ओके ये मीन्स पहला टर्म अगर हम देखेंगे आई को अगर वन पुट करेंगे तो यह बन जाएगा पी नॉट और पी वन सो मीन्स फर्स्ट दो टर्म्स देन आगे अगला टर्म कैसा हो जाएगा पी वन एंड पी टू देन इट विल बी पी टू एंड पी थ्री एंड सो ऑन सो दिस टर्म विल बी द अप्रोक्सीमेट पार्ट ऑफ द कर्व विच कॉरस्पॉन्ड्स टू द सब इंटरवल दिस टर्म सो ये पहले सब इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगा सिमिलरली जब एन टेंड करेगा इंफिनिटी को जो ब्रोकन लाइन्स है वो अप्रोच करेगी किसको पूरी कर्व को सो so, अब हम क्या करेंगे ये जो एन इक्वल पार्ट्स को हमने जिसमें इसको जो क्लोज इंटरवल को डिवाइड किया उन सबको क्या करेंगे उनका सम करेंगे जिसको हम डिनोट कर रहे हैं कैप्टन

इसके ऊपर हम आ, लिमिट एग्जिस्ट इस पर लिमिट एग्जिस्ट होगी तो तभी ये क्या करेगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा लेंथ ऑफ द कर्व एंड इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एल सो इस ये हमारे पास रहेगा तो मीन्स हमारे पास जो फिगर थी सो so, ये हमारे पास पूरी कर्व थी जो ए से बी तक था सो so, इसका जो हमने पूरा लेंथ निकालना होगा अगर हमें कहीं पे पूछा जाएगा कि लेंथ ऑफ दिस होल कर्व क्या है तो उसके लिए हमें वो फॉर्मूला अप्लाई करना है this term that is equation number you can write it as equation number 1 okay सो नेक्स्ट इज और एक चीज और ध्यान रखिए इसमें कि जो जो ये लेंथ uh, होता है अगर ये एग्जिस्ट करेगी तो ये क्या होती है हमेशा यूनिक होती है नेक्स्ट इज रेक्टिफाइबल कर्व सो ए कंटिन्यूअस कर्व विच हैज लेंथ इज कॉल्ड रेक्टिफाइबल सो मीन्स वो कर्व जिसकी लेंथ होगी उसको हम क्या कहेंगे रेक्टिफाइबल कर्व सिमिलरली नेक्स्ट इज रेक्टिफिकेशन सो मीन्स द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए करव बिटवीन टू गिवन पॉइंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन सो इन शॉर्ट क्या समझ आई आपको कि अगर हमारे पास ये जो रेक्टिफिकेशन है वो है क्या बेसिकली अगर हमें क्या करना हो लेंथ फाइंड कर

सो जब हमें क्वेश्चन दिया होगा जिसमें हमें आर्क फॉर्मूला निकालना होगा फॉर कार्टिजन इक्वेशन के लिए उसके लिए हमें यह फॉर्मूला अप्लाई करना है सो मीन्स इफ सी इज अ कर्व डिफाइंड बाय जो कर्व है वो कैसे डिफाइन की है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वेर एफ हैज कंटिन्यूअस डेरीवेटिव दैट मीन्स एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ऑन दिस क्लोज इंटरवल ए बी देन द लेंथ ऑफ द कर्व इज गिवन बाई इंटीग्रेशन ए टू बी देन स्क्र रूट ऑफ वन प्लस एफ डैश एक्स होल स्क्र था, that was dx, और पे हम उसको चेंज भी कर सकते हैं मीन्स एफ डैश एक्स की जगह पे हम डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं तो so, मीन्स ये दोनों बोथ आर सेम सो so, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है सो so, दोनों दोनों का मतलब सेम है ठीक है इसी तरीके से अगर हमारे पास ये जो कर्व थी ये कर्व बेसिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट थी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और मान के चलिए कर्व ऐसे रिप्रेजेंट है एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई तो उस टर्म में क्या हो जाएगा सिर्फ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा इट विल बिकम डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर डी वाई सो ये फॉर्मूलाज आपने कहाँ पे यूज करना है डिपेंडिंग अपॉन कि जो आपके पास कर्व है वो किस तरीके की दी हुई है उस तरी उस हिसाब से आपने क्या करना है फॉर्मूला उधर सब्स्यूट करना है नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए प्लेन कर विथ पैरामीट्रिक इक्वेशन सो अब जैसे पहले फॉर्म में क्या था वो कार्टिजन इक्वेशन थी कार्टिजन इक्वेशन किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई सिमिलरली अगर हमें किसके लिए निकालना होगा पैरामीट्रिक इक्वेशन के लिए पैरामीट्रिक इक्वेशन में क्या हो जाता है कि जो एक्स और वाई है वो थर्ड वेरिएबल के भी फंक्शन बन जाते हैं तो जैसे एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी सो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है सो so, यहां पे मैं आपको बता देती हूँ सो इफ c is a curve defined by parametric equations x is equal to ft and y is equal to gt and t lies between the closed interval a and uh, alpha and beta एंड एफ डैश टी दैट मीन्स इट्स डेरिवेटिव हाँ डेरीवेटिव इज नॉन जीरो मतलब ये क्या आना चाहिए ये जीरो को इक्वल नहीं होना चाहिए फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल अल्फाबीटा दैन द लेंथ ऑफ द कर्व सी इज गिवन बाई दिस क्वांटिटी दैट इज ए टू बी स्क्र रूट ऑफ डी एक्स बाई डी टी होल स्क्यर प्लस डी वाई बाई डी टी होल स्क्यर इन टू डी टी सो अगर हमारे पास जो इक्वेशन दी होगी क्वेश्चन में वो पैरामीट्रिक इक्वेशन में आई होगी पैरामीट्रिक फॉर्म में होगा तो आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है सिमिलरली अगर हमारे पास पोलर इक्वेशन दी होगी तो पोलर इक्वेशन मीन्स वो किस फॉर्म में होता है आर इज इक्वल टू एफ थीटा के फॉर्म में और थीटा जो है हमारे पास जो ये हमारे पास ये इसके लिमिट्स हैं सो so, इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास जो लेंथ ऑफ द कर्व होगी उसको हमें कैसे फाइंड करना है एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एल्फा टू बीटा देन स्क्वेयर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वेयर इन टू डी थीटा सो मीन्स ये हमें ध्यान रखने हैं ये तीन फार्मूलाज डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास क्वेश्चन में इक्वेशन जो इक्वेशन है कर्व की इक्वेशन वो किस फॉर्म में दी हुई है क्या वो कार्टिजन फॉर्म में दी है क्या वो पैरामीट्रिक फॉर्म में दी है या वो पोलर फॉर्म में दी है जिस फॉर्म में दी होगी वो वाला फॉर्मूला आपने क्या करना है वहां पर सब्सच्यूट करना है सो so, एक क्रॉलरी है कि इफ ए फंक्शन एफ हैज कंटिन्यूस डेरिवेटिव ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देन द लेंथ एल ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व अब ये जो कर्व है ये कौन सी है ये पोलर फॉर्म में दी हुई है सो फ्रॉम द पॉइंट आर इज इक्वल टू ए पॉइंट टू बी इज गिवन बाई ए टू बी स्क्र रूट ऑफ वन प्लस आर स्क्र इंटू डी थीटा बाई डी आर होल स्क्र इंटू डी आर सो ये उस केस में है जहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा ये इस टाइप का फंक्शन होगा दैट इज थीटा इज इक्वल टू एफ आर और पॉइंट्स हमारे पास क्या गिवन होंगे मीन्स इसकी लिमिट्स क्या गिवन होगी आर इज इक्वल टू ए टू आर इज इक्वल टू बी उस केस में जो हमारा लेंथ ऑफ द कर्व होगी वो किस तरीके से फाइंड होगी वो इस फॉर्मुले से फाइंड होगी सो अब हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको और ये क्लियर हो जाएगा सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वल टू फोर ए वाई एक्सटेंडिंग एक्सटेंडिंग फ्रॉम द वर्ड टेक्स टू वन एक्सट्रीमिटी ऑफ द लेटेक्टिव सो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि जो पैराबोला का जो हमारे पास इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है अब हमें पता है ये किस फॉर्म में ये हमारे पास कार्टिजन फॉर्म में सो so, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इक्वेशन

एक्सट्रीमिटी ऑफ द लैटेस्ट रेक्टम सो हमने क्या यहाँ पे लेके चल रहे हैं एक हम ये जो ए है इसको हमने क्या लेके चला हमने कि ये एक वर्टेक्स है इसका इस पैराबोला का और जो ये एल है ये इसका वन एक्सट्रीमिटी है ऑफ किसका दिस लेटेस्ट रेक्टर्म का सो so, अब सबसे पहले हमें क्या करना है हम इसको चेंज करेंगे वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं सो ना सो नाउ इज इक्वल टू एक्स दैट इज नेम इट एज इक्वेशन नंबर वन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सो इक्वेशन फर्स्ट से मैंने इसको वाई के फॉर्म में लाया सो दैट मैं डीवाई बाई डी एक्स इसका क्या करूं डिफ्रेंसिएशन निकाल लू सो so, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दियर फोर डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा इसकी डिफ्रेंसीशन कितनी आ जाएगी इट विल बी फोर ए इंटू टू एक्स एंड विच इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई टू ए सो ये मेरे पास इसका फर्स्ट डिफ्रेंसीशन भी आ गई है अब हमें क्या करना है फॉर्मूला सो so बेसिकली अब हमें इसकी लेंथ निकालनी है अब लेंथ किसकी निकालनी है हमें इस आर्क की निकालनी है कौन सी आर्क की जो ये हमारे पास आर्क है दैट इज ए टू एल सो हम लिखेंगे दियर फोर आर्क ए एल इज इक्वल टू सो आर्क ए एल दिस इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज जीरो से अब यहां पे क्योंकि इसका जो डिफरेंस है यहां पे जो इसकी लिमिट्स होगी ये ऑरिजिन से स्टार्ट है सो जीरो टू टू एके यहाँ से आ गया हमारे पास देन इट विल बिकम स्क्र रूट ऑफ देन इट इज़ वन प्लस फार्मूला क्या था हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्र सो अब हमें सिंपल ये फार्मूला इसमें सब शूट करना है और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यूज आएगी अब हमारे पास जैसे मैंने लिमिट्स लिख दिया है कि यहाँ पर लिमिट्स जो आ गई वो जीरो टू टू ए है वो कैसे आएगी मैं यहाँ पर आगे नेक्स्ट पेज पर लिखती हूँ सो so, ये मेरे पास बिकॉज जब मैंने जो हमारे पास वर्टेक्स था वर्टेक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ था ऑरिजन से तो वहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी और जो हमने दूसरा लेटेस्ट एक्टम पर जो उसकी अदर एक्सट्रीमिटी ली थी वहाँ पे जो उसकी, उसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स की कितनी हो जाएगी टू ए हो जाएगी ठीक है सो अब जो ये टर्म्स है ये हमारे पास लिमिट्स भी बन गए तो हमारे पास डियर फोर आर्क लेंथ कितनी आ गई थी आर्क लेंथ ए एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेके टू ए एन स्क्र रूट ऑफ वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क् इंटू डी एक्स और जो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स था वो किसके इक्वल था सिंस डी वाई बाई डी एक्स अभी हमने उसकी वैल्यू निकाली थी दैट इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई टू ए सो अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन नेमिटाज इक्वेशन नंबर सेकेंड सो यूजिंग दिस वैल्यू Using this value in equation number second, we get equation value in 2. We get values. So arc length al this is equal to integration 0 to 2a, then it will be 1 plus now. Instead of dy by dx, we have to put x by टू ए होल स्क्र एंड दिस इज इंटू डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू जीरो टू टू देन स्क्र रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क् डिवाइडेड बाई फोर ए स्क्र इंटू डी एक्स नाउ ये हमारे पास क्या है इसको और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा सो आई विल राइट हि जीरो टू टू देन इट इज फोर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्र डिवाइडेड uh, बाय ये हमारे पास आ जाएगा दिस इनटू डी एंड यहाँ पे जब इसका फोर ए स्क्वेयर है तो मीन्स इसका स्क्यर रूट भी हटा दूंगी अगर तो ये हमारे पास बन जाएगा टू ए सो इन शॉर्ट आई विल राइट वन बाई टू ए दिस इज कॉन्स्टेंट आई विल टेक इट आउटसाइड देन जीरो टू टू देन स्क्र रूट ऑफ फोर ए स्क्र प्लस एक्स स्क्टू डी एक्स सो नाउ ये हमारे पास क्या बन जाएगा एक फॉर्मूला बन जाएगा कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सो फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ स्क्र रूट ऑफ ए स्क्र प्लस एक्स ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है स्क्र प्लस एक्स देन प्लस ए स्क्र बाय टू इनटू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी सो ये फॉर्मूला आपने क्या करना है याद रख लेना है सो so, दैट हम क्या करेंगे यही फॉर्मूला किस में अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे सो अब देखिए कैसे अप्लाई होगा इसमें सो so, हमारे पास था आर्क लेंथ ए एल इज इक्वल टू वन बाई टू ए जीरो टू टू देन स्क्र रूट ऑफ फोर ए स्क्र प्लस एक्स स्क्टू डी एक्स जिसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया फोर ए को फोर ए स्क्र को इस फॉर्म में लिख दिया दैट इज टू ए होल स्क्र प्लस एक्स स्क्र इंटू डी एक्स अब ये हमारे पास फॉमूला है सो so हम यहां पे यही अप्लाई करेंगे सो दिस इज इक्वल टू सो आई विल राइट दिस इज इक्वल टू देन वन बाई टू एन इट बिकम्स एक्स इंटू स्क्र रूट ऑफ ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र ओके सो आई विल राइट हियर सो यहाँ पे एक uh, यहाँ पे एक्चुअली डिवाइडेड बाई टू है सो इट इज बेसिकली दिस डिवाइडेड बाई टू ओके सो so, यहाँ पे मैंने पीछे भी इसकी करेक्शन कर दी है सो इट इज एक्स इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्र प्लस एक्स स्क्ट होल डिवाइडेड बाई टू देन प्लस ए स्क्र बाई टू इंटू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी ओके अब यहाँ पे हम इसको सब कर लेते हैं सो इट बिकम्स ना एक्स एक्स इन टू स्क्र रूट ऑफ ए स्क्र ना इंस्टेड ऑफ ए की जगह पर हमारे पास क्या है टू ए होल स्क्र सो आई विल राइट हेयर टू ए का होल स्क्र देन प्लस एक्स स्क्र देन डिवाइडेड बाई टू दे प्लस इट इज ना ए स्क्र डिवाइडेड बाई टू और ए की जगह पर क्या है हमारे पास टू ए सो हम लिखेंगे टू ए का होल स्क्र डिवाइडेड बाई टू then it is sin hyperbolic inverse that is इज hyperbolic inverse of x by a so x by a ए की जगह पर आ जाएगा हमारे पास खाली 2a then लिमिट्स हमारे पास क्या है जीरो से लेके कहाँ तक है टू ए तक सो so ये डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया अब हम सीधा इसमें लिमिट्स को सब करके इसकी वैल्यूज निकाल देंगे सो so, यहां से जो टू है मैं इसमें से कॉमन ले लेती हूँ ये मेरे पास आ जाएगा वन डिवाइडेड बाय फोर ए देन इंस्टेड ऑफ एक्स अब हमें क्या वैल्यू पुट करनी लिमिट अपर लिमिट दैट इज टू देन स्क्वायर रूट ऑफ टू ए होल स्क्वायर देन प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज अगेन टू ए होल स्क्वायर देन इट इज प्लस टू ए होल स्क्वायर देन इट इज़ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स की जगह पर आएगा टू ए डिवाइडेड बाई टू एन माइनस टाइम्स अब ये क्या हो जाएगा ज़ीरो इंटू दिस होल क्वान्टिटी ओके इट जीरो इंटू दिस टर्म एंड अगेन इट बिकम ज़ीरोन नेक्स्ट टर्म विल भी ज़ीरो इंटू मैं ऐसे लिख देती हूँ ये नेक्स्ट टर्म भी आ जाएगी आपके पास अब इसमें ज़ीरो हो जाएगा तो ये टर्म पूरी ज़ीरो ही हो जाएगी तो डायरेक्टली जीरो ही लिख देते हैं देन आएगा हमारे पास प्लस अदर टर्म विल बी अगेन इट बिकम्स फोर ए स्क्र इंटू जीरो ओके सो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई यहां से स्कोर थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं ये हमारे पास आ जाएगा इट विल बिकम मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ ये हमारे पास आ जाएगा फोर ए स्क्र डिवाइडेड बाई फोर ए और ये अंदर जो इसकी वैल्यू बचेगी ये होगी रूट टू प्लस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ वन सो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ए इंटू स्क्र रूट ऑफ टू देन प्लस अब जो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स होता है ये फॉर्मूला होता है जो किसके इक्वल होता है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्र रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्र सो ये फॉर्मूला है हमारे पास तो वही इधर सब अप्लाई करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स वन की जगह पे क्या हो जाएगा इट विल बिकम लॉग ऑफ देन इंस्टेड ऑफ एक्स आई विल राइट हियर वन सो वन प्लस स्क्र रूट ऑफ वन प्लस वन स्क्र सो यहां से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ए इंटू स्क्र रूट ऑफ टू देन प्लस लॉग ऑफ वन प्लस रूट टू सो विच इज द आंसर सो ये हमारे पास क्या आ जाएगी उस कर्व की क्या जाएगी? Length आ जाएगी लेंथ आ जाएगी हेंस हैं सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने अगर हमारे पास जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है सॉरी का, 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 कार्टिजन फॉर्म में नेक्स्ट एक एग्जांपल करते हैं पैरामीट्रिक और आ, पोलर फॉर्म पे So, next example is uh, find the length of an arc of the cycloid whose equations are. एक्स इज इक्वल टू ए इंटू थीटा प्लस साइंथीटा वाई इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस थीटा। सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास किस फॉर्म में इक्वेशन है ये हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन है सो so, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे द पैराट्रिक इक्वेशन ऑफ द साइक्लाइड आर एक्स इज इक्वल टू ए इंटू थीटा प्लस साइंथीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कॉस्थीटा सो वन ऑफ वन आर्क ऑफ द साइक्लाइड इज शोन इन दिस फिगर सो बेसिकली हमने क्या किया सिर्फ इसका वन आर्क हमने ये शो किया इस फिगर में और हमें हमेशा ये एक चीज ध्यान रखनी है कि जो साइक्लोइड होता है वो सिमेट्रिकल होता है अबाउट द लाइन थ्रू द पॉइंट इज इक्वल टू जीरो करना क्या है अब हमने जो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन है हमें क्योंकि हमारे पास फॉर्मुला होता है निकालने के लिए जो आर्क लेंथ होता है इंटीग्रेशन देन इट इज एल्फा टू बीटा रूट ऑफ मैं यहां पे ऐसे लिख देती हूं इट इज इंटिग्रेशन अल्फा टू बीटा दैन स्क्र रूट ऑफ इट इज डी एक्स बाई डी थीटा होल स्केयर देन प्लस डी वाई बाई डी थीटा होल स्केयर दी थीटा होल स्क्यर इन टू दी थीटा डिपेंडिंग अगर यहाँ पे टी होता तो ये डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्र हो जाता अब यहाँ पे जो वेरिएबल uh, है ए ये थीटा है सो तो हमें यहाँ पे क्या करना है थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग लेके चलना है सो so, अब ये यहाँ पे जो अब सबसे पहले हमें इसका क्या करना है डिफेंसेशन निकालनी है मीन्स डिफेंसेशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा निकालनी है एक्स की और सिमिलरली वाई की भी डिफेंसेशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा निकालनी है तो so, ये हमारे पास आर्क लेंथ का फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है so, सो अब यहाँ पे तो लिखने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे नाउ हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा सो आई विल राइट डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा यह आएगा ए इन टू थीटा का हो गया वन प्लस साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा ओके और इसको थोड़ा फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है तो मैं डायरेक्टली लिखूंगी इट इज टू टाइम्स कॉस स्क्केयर थीटा बाई टू और आई विल राइट इट एज टू ए कॉस स्क्र थीटा बाई टू सिमिलरली मैं डीवाई बाई डी थीटा भी निकाल लेती हूं सो डीवाई बाई डी थीटा किसके आ जाएगा यहां से सीधा इट विल बिकम दैट इज माइनस ए इंटू साइन थीटा सो इसको फर्दर फॉर्मूला बना लेते हैं सो so, यह हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा का बन जाएगा ट्वाइस साइन ए दैट इज थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू जो वापिस इस इसी फॉर्म लेके इक्वल आ जाएगा सो विच इज इक्वल टू माइनस टू टाइम ए इंटू साइन थीटा बाई टू एंड कॉस थीटा बाई टू सो अब हमें क्या करना है हमें आर्क इसकी लेंथ निकालनी है साइक्लोइड की तो हम सिंपली लिख लेते हैं सो लेथ ऑफ सो लेंथ ऑफ वन आर्क for the cycloid, for the for the cycloid this is equal to, so ये हमारे पास क्योंकि जो हमारे पास इसकी limits है वो कहाँ से कहाँ तो तक हो जाएगी zero से लेकर pi तक हो जाएगी तो हम यहां पे लिखेंगे अब जैसे कि हमें पता है कि हमने सिर्फ अभी इसका एक साइड मतलब एक आर्क ही लिए तो अगर इसका दूसरी आर्क लेंगे तो ये टू टाइम्स हो जाएगा सो आई विल राइट हियर टू टाइम्स जीरो टू पाई देन इट इज स्क्वायर रूट ऑफ देन डी एक्स बाई डी थीटा का होल स्क्वायर एंड प्लस डी वाई बाई डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा इंटू डी थीटा अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इसकी वैल्यू सब चूट करेंगे तो डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ दिस इज इक्वल टू टू टाइम्स then इंटीग्रेशन जीरो टू पाई देन इट इज डी एक्स बाई डी थीटा का होल स्केयर सो डी एक्स बाई डी थीटा किसके इक्वल निकाला था मैं पहले एक बार लिख देती हूँ इधर कॉस square थीटा बाई टू इसका हमने क्या करना है होल स्क्यर लेना है एंड डी by बाई डी थीटा किसके इक्वल आया था माइनस टू टाइम्स ए साइन ऑफ थीटा बाई टू इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई टू का होल स्क्र इंटू डी थीटा सो ये दिस इज द स्क्र रूट सो so, अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे और वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी सो इट बिकम्स टू टाइम्स जीरो टू देन पाई देन इट बिकम्स जस्ट सेकेंड इट विल बिकम फोर टाइम्स ए स्क्र इंटू कॉस फोर थीटा बाई टू दे आपके पास आ जाएगा प्लस फोर इंटू ए स्क्र इट बिकम साइन स्क्र थीटा बाई टू इंटू कॉस स्क्र थीटा बाई टू इंटू डी थीटा सो यहाँ से हम इसको और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं यह हमारे पास आएगा इधर से जो भी कुछ जो कॉमन आएगा हम उसको भी बाहर ले सकते हैं जैसे कॉस जो स्क्वेयर थीटा है इसलिए कॉमन आ जाएगा तो वो बाहर आ जाएगा तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ फोर भी ये आ जाएगा बाहर सो so मैं लिख सकती हूँ फोर ये यहाँ से टू कॉमन आ जाएगा वो टू और ये टू फोर हो जाएगा सो so ये आ जाएगा फोर ए इंटू जीरो टू पाई देन इट बिकम्स बिकम थीटा बाई टू एंड प्लस साइंस स्क्र थीटा बाई टू इन टू ये ए कॉस थीटा जो स्क्वेयर था वहां से उसको स्क्वेयर और रूट कट गया और वो बन जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ थीटा बाई टू इंटू डी थीटा सो so, यहां से हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी इट बिकम्स फोर ए इंटू जीरो टू पाई और हमें पता है अब यहां से ये टर्म किसकी कुल हो जाएगी वन के कुल हो जाएगी तो खाली हमारे पास बन जाएगा कॉस थीटा बाई टू इंटू डी थीटा सो so, यहां से इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा फोर ए कॉस की हो जाएगी साइन ऑफ थीटा बाई टू एंड इट बिकम्स डिवाइडेड बाई वन बाई टू एंड लिमिट्स इज जीरो से लेके पाई सो so, यहाँ से इसकी लिमिट्स अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एट ए इंटू साइन ऑफ थीटा बाई टू ईट बिकम ज़ीरो टू पाई एंड इट विल बी एट ए इंटू साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस साइन ऑफ ज़ीरो और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एट ए इंटू वन माइनस ज़ीरो और वो किसके कोल आ जाएगा एट ए विच इज़ द आंसर So, इस तरीके से आपने क्या करना है जब पैरामीट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा उसको सॉल्व करने का ये तरीका है उसके उसके लिए आपको कैसे कैसे फर्म में क्या करना करना है उसके बाद कैसे करना है है बाद ये इसका सो नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला लास्ट मेथड पे करते हैं that is, polar form में अगर हमारे पास इक्वेशन होगी तो उस पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है सो एग्जाम्पल थ्री इज फाइंड लेंथ ऑफ द स्पाइरल Uh, find the length of the spiral r is equal to a e raised power theta cot alpha between the points at which the radii vectors are r1 and r2 सो so, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या देखना है जो हमारे पास इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो बेसिकली पोलर फॉर्म में है. तो हमने लिखा है द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इज आर इज इक्वल टू ए ई रेज पॉर थीटा कॉट एल्फा सो अब हमें क्या निकालना है इसमें इसकी डिफ्रेंसेशन निकालनी है सो आई विल राइट हियर डी आर बाई डी थीटा विथ रेस्पेक्ट टू किसके साथ करना है डी थीटा के सो वो हमारे पास आ जाएगा ए इंटू ई रेज पॉर थीटा इंटू कॉट ऑफ एल्फा इंटू कॉट ऑफ एल्फा सो ये इसकी आ गई डिफ्रेंसिएशन हमारे पास अब इस डिफ्रेंसीेशन के साथ हमें क्या करना है क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है फॉर्मूला क्या है हमारे पास मैं इधर लिख देती हूँ आपका दैट इज जो हमारे पास लिमिट्स होगी दैट इज आर वन टू आर टू देन स्क्यर रूट ऑफ वन प्लस आर स्क्वेयर इंटू डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वेयर इंटू डी आर

एंड आर की वैल्यू मैंने सीधा सब शूट कर दी है और साथ में क्या आ जाएगा इसका इनवर्स दैट इज ए इंटू ई रेज पावर थीटा कॉट ऑफ एल्फा इंटू कॉट ऑफ एल्फा सो अब यहां से कुछ हमारे पास टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी जैसे ए ए कैंसिल हो जाएगा और ये बाकी चीजें कैंसिल हो जाएंगी हमारे पास सिर्फ वन बाय कॉट एल्फा बचेगा जो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास टेन एल्फा के इक्वल तो मैं लिखूंगी दिस इज इक्वल टू टैन ऑफ एल्फा सो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द आर्क इज गिवन बाई लेंथ ऑफ़ द आर्क इज गिवन बाय अब हमारे पास रेडियस वेक्टर्स कितने हैं आर वन से आर टू तक सो हमने लिखा आर वन टू आर टू देन स्क्र रूट ऑफ वन प्लस आर स्क्वेयर इनटू डी थीटा बाय डी आर का होल स्क्र इनटू टू डी आर सो हम यहाँ पे इसी में कर देंगे वैल्यूज इट बिकम्स आर वन टू आर टू देन स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस अब इस टर्म के इक्वल इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास दैट इज टैन ऑफ एल्फा सो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इट बिकम्स टैन स्क्वायर ऑफ एल्फा इंटू डी आर इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं ये आ जाएगा आर वन टू आर टू एंड ये हमें पता है हमें किसके इक्वल होता है सीकेट स्क्वायर एल्फा तो सीकेंड स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा सी केंट एल्फा इंटू डी आर और अब ये जो अल्फा

ये हमने आज रेक्टिफिकेशन uh, के ऊपर क्वेश्चंस कर लिए हैं कौन कौन से अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ द कर्व इज इन कार्टिजन फॉर्म इज इन पैरामीट्रिक फॉर्म एंड इज एंड इट इज इन पोलर फॉर्म सो थैंक यू